चटनी क्यों रो रही थी? पायल प्याज काट रही थी, इसकी वजह से इसकी आंखों में आंसू आ गया था। अभी जा रहे हैं मार्केट, हमने बताया भी था कि अभी जाना है थोड़ा शॉपिंग करने। बाहर में बहुत ज़्यादा ठंड है, इसलिए मैंने मकान ढक लिया है और अभी हम निकल रहे हैं। तो गाइस अभी हम रूम लॉक कर लिए हैं और हम अभी जा रहे हैं। पायल पहुंच चुकी है बाइक के पास। गाइस हम अभी जा रहे हैं अपने एक फ्रेंड के दुकान पे, वो बहुत दिनों से बोल रहे थे आने के लिए बट टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो सोच रहे हैं अभी जब निकले हैं मार्केट तो फ्रेंड के दुकान पे हैं, और ये है हमारे फ्रेंड का दुकान। देख अभी हम लोग अपने फ्रेंड के दुकान पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप लोगों को सारा सामान मिल जाएगा, ग्रॉसरी, कॉस्मेटिक्स, चाहे जो भी गिफ्ट आइटम होता है वो टोटल सामान यहाँ मिल जाता है। दुकान है आपको मोतिहारी में है। फ्रेंड हम लोगों ने बर्गर ले लिए है और अभी हम लोग जा रहे हैं आइसक्रीम लेने के लिए, फिर उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं बाहर से, मैं गई थी आईब्रो बनवाने, मैं आईब्रो बनवा ली और नाश्ता बाहर ही कर ली और अभी जा रही हूँ खाना बनाने। किचन में और मैंने प्याज ले लिया है और जा रही हूँ हीटर के पास बैठ के प्याज काटूंगी। ये पायल रो रही है, आँख से एकदम आंसू टपक टपक के गिर रही है। इसे रो क्यों रही पायल तुम? ऐसा थोड़ी नहीं होता है, मतलब हम घुमाने नहीं ले गए, अभी तो ले गए थे, आईब्रो बनाना था तो वो घूमना भी तो हुआ ना। तो क्या मतलब दिल्ली मुंबई लोग जाते हैं तभी उसको बोला जाता है घूमना? ऐसा नहीं होता है। गाइस अभी अभी पता चला कि पायल क्यों रो रही थी, आप लोग देख सकते हैं क्यों रो रही थी। पायल प्याज काट रही थी, इसकी वजह से इसकी आंखों में आंसू आ गया था और ये हमें बोल रही थी कि घुमाने नहीं ले गए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ब्लॉग में थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।